हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएलआई मैकेनिज्म को और पूरा डिटेल में आपके पास डिस्कशन रहेगा। यहाँ पे बात करेंगे एसएलआई जो रिएक्शन है ये क्या है। तो यहाँ पे जैसे ही नाम इसका है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल, मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा होगा। दूसरा न्यूक्लियोफिलिक है, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा होगा, और इंटरनल लिखा हुआ मतलब कुछ इंटरनली न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा होगा। यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या इसमें रिअरेंजमेंट होता है कि नहीं होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। क्या हमेशा रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, बच्चा हमेशा पढ़ के आता है जो ऐसा नहीं, मतलब क्या रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, तो क्या हमेशा रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा, इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे। और कब होगा, उसका क्या मैकेनिज्म है, कैसे वो इन्वर्जन होता है, तो बात करेंगे हर एक को बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अल्कोहल के बारे में आप जान रहे हो। अल्कोहल को जब हम थायोनिल क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं SOCl2 के साथ, और यहाँ पे आपके पास ये क्या बनता है, ये अल्काइल लाइट प्लस SO2 प्लस HCl बनता है। ये जो प्रोसेस है ये हाईली, मतलब यहाँ पे इसका एंड बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो दोनों गैस है वो एस्केप कर जाता है। तो यहाँ पे अल्काइल लाइट जो बनता है वो आपको बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट में बनता है, मतलब इसका एंड भी बहुत अच्छा होता है। अगर हम बात करें इस प्रोसेस को बोलते हैं डार्जन प्रोसेस। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, बोलते हैं डार्जन प्रोसेस। यहाँ पे अगर बात करें इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, जब ये रिएक्शन हो रहा होगा तो क्या क्या चीजें होगा, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होगा। तो सिंपली पहले एक हम लेते हैं, यहाँ पे पीएच फिनाइल है, यहाँ पे एच है, और यहाँ पे CH3। इसको जरा यहाँ पे CH3 लिखते हैं, यहाँ पे क्या है पीएच मतलब फिनाइल, और यहाँ पे OH, और इसको हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं SOCl2 के साथ। किसके साथ कर रहे हैं SOCl2 के साथ, ये Cl ACl, ठीक है। इसको जरा इस तरह लिखते हैं Cl, और ये आपके पास Cl, ठीक है। ये क्या आपके पास थायोनिल क्लोराइड, इसके साथ जब हम ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है ये CH3, यहाँ पे H, और यहाँ पे जो pH था, और यहाँ पे Cl आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें इसका जो कॉन्फिगरेशन होगा या फिर यहाँ पे रिटेंशन होता है, मतलब जिधर OH लगा हुआ है उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा है, जिधर OH लगा हुआ उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्या देखने को मिलेगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिधर से OH अटैच है उधर ही साइड से न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा है, और यहाँ पे इंटरनली न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म में आपको समझ में आएगा। यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा उसका क्या नाम होता है ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है क्योंकि काफी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो अगर हम बात करें तो सिर्फ थायोनिल क्लोराइड के साथ ही रिएक्शन होता है कि और भी कहीं आपको SNI मैकेनिज्म दिखेगा, तो आपको एक और केस है कार्बोनिल क्लोराइड रहेगा, उस केस में भी आपको ये SNI मैकेनिज्म दिखेगा, मतलब सिमिलर टाइप का रिएक्शन होगा। तो SOCl2 और यहाँ पे क्या होना चाहिए कार्बोनिल क्लोराइड, उस केस में ये आपको दिखेगा, यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा। अगर इसका हम मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं तो इसका मैकेनिज्म को हम प्रॉपरली डिस्कस करते हैं जो क्या होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिए हैं उसी से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो क्या हो रहा होगा इस प्रोसेस में, यहाँ पे रिटेंशन क्यों होता है, सारा चीज को एक करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। जो आपके पास जो क्वेश्चन था उसी को हम जरा देते हैं। यहाँ पे आपके पास CH3, यहाँ पे pH, यहाँ पे H, और यहाँ पे आपके पास OH था। ये थायोनिल क्लोराइड आपके पास था, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे आपके पास Cl था। ये क्या करेगा, ये जो OH है ये अल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा, ये अटैक करेगा सल्फर के पास, और यहाँ से क्या होगा ये Cl निकलेगा Cl- के रूप में,
और आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ से एच निकलेगा और इसके बाद क्या होने वाला है, यहाँ पे ये सी एल माइनस के रूप में निकलेगा, सी एल माइनस हो गया और ये अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, कार्बन सी एच थ्री और यहाँ पे एच, यहाँ पे पी एच और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओ और यहाँ पे एच ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज और ये सल्फर के साथ अटैच है और यहाँ पे आपके पास क्लोरीन दिख रहा होगा, ये क्लोरीन दिख रहा होगा क्लोरीन। अब क्या होगा, ये जो क्लोरीन है ये क्लोरीन क्या है, इंटरनली अटैक करेगा यहाँ पे, यहाँ पे सबसे पहले जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ पे ओ बन गया, यहाँ से ये एच प्लस निकलेगा और ये क्या हो जाएगा, एच सी एल आपको रिमूव होगा डायरेक्टली, एच प्लस और ये सी एल माइनस मिलकर के क्या हो गया, एच सी एल। तो यहाँ पे आपके पास जो इंटरमीडिएट बन रहा है, यहाँ पे सी एच थ्री, यहाँ पे पी एच और यहाँ पे ओ, जरा हल्का सा इसको इस तरह से बनाते हैं और यहाँ पे एस और यहाँ पे ओ और यहाँ पे ये सी एल, ये जो सी एल है इसके पास लोअर पेयर है तो ये अटैक करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो मिल रहा है ये इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट को अगर बोले तो इसका नाम क्या है, तो अल्काइल, क्या लिखेंगे, अल्काइल क्लोरो सल्फाइड, क्या लिखेंगे, अल्काइल क्लोरो सल्फाइड, ये आपको दिख भी रहा होगा अल्काइल क्लोरो सल्फाइड इसको हम बोलेंगे, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बना, तो एसन आई में जो इंटरमीडिएट बनता है अल्काइल क्लोरो सल्फाइड, अगर यहाँ पे अगर बात करें तो ये कितना सेंटर्ड वाला इंटरमीडिएट बन रहा है, तो देखें यहाँ पे ये क्या हो रहा है, एक सेंटर ये हो गया, दूसरा सेंटर ये, तीसरा और ये चार, तो यहाँ पे फोर सेंटर, क्या लिखेंगे इसको, फोर सेंटर इंटरमीडिएट बन रहा है, क्या बन रहा है, ये फोर सेंटर इंटरमीडिएट बन रहा है। अब क्या होगा, जब ये निकले हो फाइल इधर से, जिस साइड से ओएच लगा हुआ था उसी साइड से ये अटैक करेगा, तो इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम डिस्कस करते हैं, इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, तो जरा देख लेते हैं क्या होता है यहाँ पे, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, जो प्रोडक्ट आपके पास फाइनली मिलेगा, यहाँ पे ये तो आपके पास सी एच थ्री है और यहाँ पे पी एच, यहाँ पे एच और इस केस में यहाँ पे आपके पास सी एल आ जाएगा और यहाँ पे जो यही आपके पास प्रोडक्ट मिलेगा और ये बोलेंगे ये रिटेंशन है, मतलब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, यहाँ पे पीछे से अटैक नहीं हो रहा है, आगे से अटैक हो रहा है, यहाँ पे इन्वर्जन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिटेंशन हो रहा है और ये इंटरनली क्या हो रहा है, सी एल माइनस अटैक कर रहा था, क्लोरोसल्फाइड वाला जो इंटरमीडिएट है वहां से अटैक करके ये हुआ, उसके बाद SO2 और HCl आपको निकल गया। तो ये तो बात समझ में आ गया इसका प्रॉपर मैकेनिज्म। अब हम बात करते हैं क्या ये हमेशा SNI मैकेनिज्म में ये SNI मैकेनिज्म को फॉलो करता है, लेकिन क्या होता है जब आप प्रीडीन को ले लो, क्या करेंगे यहाँ पे सेम रिएक्शन है, यहाँ पे हल्का सा चेंज कर दिए, यहाँ पे सेम रिएक्शन लिखते हैं, यहाँ पे पीएच है और यहाँ पे ये पीएच की जगह पे सी एच थ्री, पहले सी एच थ्री था यहाँ पे तो सी एच थ्री लिखेंगे, एच और यहाँ पे पी एच फिराइल है ये। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, इसको हम ट्रीट कर रहे हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ और यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे प्रीडीन लिखा हुआ है, प्रीडीन आप देख ही रहे हो प्रीडीन क्या होता है, तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे जो प्रीडीन यहाँ पे आपके पास है, यहाँ पे क्या है प्रीडीन। तो इस केस में अगर हम बात करें यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, ये प्रीडीन आपके पास दिख रहा होगा, ये प्रीडीन है और यहाँ पे जब हम ये रिएक्शन करवाएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा इसके बारे में बात करेंगे। प्रोडक्ट तो वही बनेगा, प्रोडक्ट जो पहले बन रहा था वही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा ये सीएल जो है ये सीएल बनेगा, लेकिन यहाँ पे इन्वर्जन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सीएल रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा एच रहेगा, यहाँ पे इन्वर्जन होगा। अच्छा ये हो क्यों रहा है इसके बारे में बात करते हैं, इसका मैकेनिज्म को हम डिस्कस करते हैं।
तो जरा इसको हम फिर से यहाँ पे हम लिख रहे हैं, बस यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं जो वो क्या रहा होगा सिस्टम में। यहाँ पे देखो ये थायोनिल क्लोराइड आपके पास है, क्या ये थायोनिल क्लोराइड, यहाँ पे सीएल, यहाँ पे सीएल। अब इस केस में क्या हो रहा होगा एक एक करके हम समझते हैं। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक कर रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जब ये यहाँ पे अटैक किया तो यहाँ से सीएल माइनस निकला होगा, जब यहाँ पे ये सीएल माइनस निकला होगा तो ये इंटरमीडिएट क्या बना हुआ, ये सी एच थ्री, और यहाँ पे आपके पास एच है, और यहाँ पे पी एच, यहाँ पे ओ, और यहाँ पे आपके पास क्या था एच, ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज था, और यहाँ पे एसओ, और यहाँ पे सीएल, ये आपके पास दिख रहा होगा, ये इंटरमीडिएट बना होगा। फाइनली जब एच निकला तो यहाँ से क्या करेगा, जो पिरिडीन है, जो पिरिडीन है ये एक तरह का बेस है, और इसको क्या पसंद है, इसको एसी एच प्लस पसंद है, तो ये क्या करेगा एच को ये अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा आयन के, कौन सा आयन बन जाएगा, यहाँ पे ये आपको दिख भी रहा होगा नाइट्रोजन है, और इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, और यहाँ पे जो क्लोरीन निकला था, ये जो सीएल निकला था, ये इसके साथ मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये एक सॉल्ट बनाता है जिसका नाम क्या है, पिरिडीनियम क्लोरो, पिरिडीनियम क्लोराइड बनाता है, पिरिडीनियम क्लोराइड, क्लोराइड। तो यहाँ पे ये जो सॉल्ट बना, यहाँ पे जो सॉल्ट बन रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे सीएल निकल रहा है, तो यहाँ पे सीएल का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। और अगर बात करें जो सीएल यहाँ पे आपके पास दो है, एक सॉल्ट पे, सॉल्ट के पास है, और दूसरा यहाँ पे सीएल है, तो अब दो पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे अगर बात करें तो ये भी न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव कर सकता है, और ये भी न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव कर सकता है। इसमें नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि ये यहाँ से आ रही है, सॉल्ट से यहाँ पे आ रहा है, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसके कंपैरिजन में ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये अब अटैक करेगा, ये इधर से अटैक कर सकता है या तो ये इधर से कर सकता है, तो इसके लिए अच्छा कौन सा होगा, जब इधर से अटैक करेगा तो ये बल्की ग्रुप है, और ये बल्की ग्रुप है तो इधर से अटैक नहीं करके बैक से अटैक करेगा, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, सी एच थ्री पी एच, और यहाँ पे आपके पास क्या दिख रहा होगा H, मतलब यहाँ पे इन्वर्जन दिखा, यहाँ पे आपको क्या दिखा इन्वर्जन, मतलब ये जो है SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे इन्वर्जन दिख रहा है, यहाँ पे जो Cl- है ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे इंटरनली न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर रहा है, रीजन क्या है, जो पिरिडीनियम, जो पिरिडीन है एक बेस है, यहाँ पे एक सॉल्ट बनता है, पिरिडीनियम क्लोरो क्लोराइड बनता है यहाँ पे, तो इस केस में जो यहाँ पे इन्वर्जन दिखने को मिलता है, यहाँ पे रिटेंशन दिखने को नहीं मिलता है। तो बात ये समझाना चाहते हैं आपको, जो जब भी थायोनिल क्लोराइड है और उसके साथ आपके पास पिरिडीन है, तो वहां पे SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होगा, वहां पे इन्वर्टेड प्रोडक्ट आपको लिखना है। लेकिन जब आपको थायोनिल क्लोराइड दिया हुआ है उसके साथ बेस में दिया हुआ है, तो वहां पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या होता है वहां पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये मैकेनिज्म के थ्रू आपको समझा है। ये पहले यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, यहाँ पे ये बना था, ये इंटरमीडिएट उसी तरह का, बस हल्का सा यहाँ पे ये बात है, जो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये केटायन बना, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो सीएल जो निकला था यहाँ पे आया, और ये एक सॉल्ट है, और ये सॉल्ट अगर है तो ये सीएल माइनस के रूप में है यहाँ पे, और ये सॉल्ट यहाँ पे जाकर के अटैक कर सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये न्यूक्लियोफाइल काफी मतलब अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये अटैक करेगा, क्योंकि ये न्यूट्रल नहीं है, ये चार्ज है, चार्ज वाला जो न्यूक्लियोफाइल होता है काफी अच्छा न्यूक्लियोफाइल माना जाता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल माना जाता है। ये बात समझ में आ गया। अगर हम बात करें जो क्या इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं, क्या इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं है, अगर बात आपसे पूछा जाए जो क्या इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं, तो अगर बोले तो इसमें आंसर क्या होगा, जी इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, एक अच्छा सा एग्जाम्पल देते हैं
यहाँ पे आपके पास क्या है, ये OH है और यहाँ पे SO2 Cl2 के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है ये भी बात करेंगे, क्यों पॉसिबल है ये भी बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले ये यहाँ पे अटैक करेगा, सेम कहानी होगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। क्या बनता है इस केस में, जो इसका इंटरमीडिएट बनता है, यहाँ पे ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा, इसको बोलेंगे आयन पेयर। क्या बोलेंगे, जो यहाँ पे इंटरमीडिएट बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट में दिख रहे होगा, यहाँ पे ये जो यहाँ पे कार्बोकैटायन है और यहाँ पे इसका जो इंटरमीडिएट बन रहा होगा क्या बनेगा, ये SO और यहाँ पे ये Cl और यहाँ पे ये Cl और यहाँ पे ये इंटरमीडिएट अगर देखे तो इस तरह का इंटरमीडिएट है, इसके बीच में बॉन्डिंग बन रहा होगा, इसके साथ बॉन्ड बन रहा होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें, जब भी कार्बोकैटायन दिखा तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट करवाना है, और इसको जब रीअरेंज करवाएंगे तो 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, क्या बोलेंगे यहाँ पे 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, और इसके बाद रीअरेंज करने के बाद जो आपके पास अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे आप Cl लगा दो और ये आपके पास प्रोडक्ट होगा, मतलब ये कहानी होगा। तो क्या इसमें रीअरेंजमेंट होगा, तो होगा। अगर बात करें, अगर SNI मैकेनिज्म को हम ये समराइज करना चाहें तो दो तीन बात इसमें इम्पोर्टेंट है, जो जब भी थायोनिन क्लोराइड रहेगा तो SNI मैकेनिज्म के थ्रू होगा, इंटरनली न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और वहाँ पे रिटेंटेड प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे इन्वर्जन नहीं होगा। लेकिन अगर हम पिरिडीन बेस ले लेते हैं तो उस केस में SN2 मैकेनिज्म के थ्रू वहाँ पे क्या होगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये बात समझ में आ गया। उसके बाद अगर बात करें क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो बोलेंगे हाँ यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है और इस केस में आपको रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा। तो ये SNI मैकेनिज्म को आपको एक्सप्लेन किए, और कुछ अच्छे वीडियो के साथ आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहें आप लोग सभी।